नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि सेफ्टी का लेटेस्ट एडिशन है बहुत सारी कार्स के अंदर। दोस्तों, इस सेफ्टी फीचर का नाम है HBA, जिसका फुल फॉर्म है हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट। आइए देख लेते हैं कि HBA हमारे किस तरह से काम आता है, किस तरह से इसकी वर्किंग होती है और क्यों ये एक इम्पोर्टेंट सेफ्टी फीचर बनता जा रहा है। दोस्तों, रिसर्च ने ये साबित किया है कि जब पैनिक सिचुएशन होती है, जब इमरजेंसी में हमें ब्रेक लगाने होते हैं, तो ज्यादातर लोग पूरा दम से ब्रेक नहीं लगाते। मान लीजिए हमारे सामने एक ऑब्स्टिकल अचानक से आ गई, हम 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और इमीडिएटली हमें ब्रेक लगाने हैं, तो रिसर्च कहती है ज्यादातर लोग पूरे दम के साथ ब्रेक पेडल पे पुश नहीं करते, पूरे दम के साथ ब्रेक नहीं लगाते, क्योंकि मन में एक वहम होता है, एक डर होता है कि गाड़ी पलट जाएगी या स्किड कर जाएगी। साथ ही में क्योंकि इस सिचुएशन की हमारी प्रैक्टिस जिंदगी में कभी नहीं हुई होती है, जहां पे हमें बहुत जोर से ब्रेक लगाना है, इस कारण से भी हम उस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं होते और हम जल्दी से एक्सीलेटर छोड़ते तो हैं, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ, फुल प्रेशर के साथ ब्रेक नहीं लगा पाते। साइकोलॉजिस्ट ने जब इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया, तो यहीं से जन्म हुआ HBA का, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट। HBA का काम यह है कि वो ये सेंस करे कि पैनिक सिचुएशन आ गई है। तो ये वर्क कैसे करता है? जैसे ही हम बहुत तेज स्पीड पे जा रहे हैं और हमने एक्सीलेटर पे से झटके से पैर हटाया, तो गाड़ी को पहला इंडिकेशन मिल जाएगा केज से पैनिक सिचुएशन, यानी कि कोई जोखिम सामने है और ड्राइवर अब तुरंत ब्रेक लगाने वाला है। जैसे ही गाड़ी के पास ये सिग्नल जाएगा, तो गाड़ी, आप जब ब्रेक लगाते हैं तो आपके ब्रेकिंग पावर के साथ साथ खुद की तरफ से भी एडिशनल ब्रेकिंग पावर सप्लाई कर देती है। तो मान लीजिए आपने थोड़ा सा ही ब्रेक लगाया, तो गाड़ी अपनी तरफ से थोड़ा और ब्रेक लगा देगी, ताकि दोनों का ब्रेकिंग पावर मिलके एक्चुअली में कार को स्टॉप कर पाए। तो क्या हमेशा जब भी हम ब्रेक लगाने वाले हैं तो साथ में गाड़ी अपने आप ब्रेक को थोड़ा ज्यादा लगा देगी? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जोर से ब्रेक गाड़ी की मदद से, HBA की मदद से तभी लगेगा जब गाड़ी ने पैनिक सिचुएशन यानी कि खतरे की सिचुएशन को सेंस किया, यानी तब जब आपने तेज स्पीड पे अचानक से एक्सीलेटर को छोड़ा है और आप ब्रेक की तरफ मूव कर रहे हैं, उसी समय HBA एक्टिव होगा। अगर आपने अचानक से एक्सीलेटर छोड़ा और ब्रेक नहीं दबाया, तो HBA बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अचानक से एक्सीलेटर छोड़ा और ब्रेक दबाना शुरू किया, तो HBA आपके ब्रेक को और ज्यादा प्रभावशाली बना देगा और बहुत जोर से लगेगा। देखिए, HBA जनरली ऐसी कार्स के अंदर होता है जिसके अंदर ब्रेकिंग के और भी सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि ABS, EBD इत्यादि। ऐसा इसलिए कि जब गाड़ी आपके ब्रेक के साथ साथ खुद के ब्रेक को जोड़ के जोर से ब्रेक लगाएगी, ऐसी कंडीशन में ऑफ कोर्स आपकी गाड़ी भी ऐसी होनी चाहिए जो कि तेज ब्रेकिंग को झेल सके, लहरा के पलटे नहीं, साइड में जाकर कहीं टकराए नहीं, बल्कि काफी स्टेबल रहे हार्ड ब्रेकिंग सिचुएशन में भी। इसी कारण से HBA ज्यादातर सिचुएशंस में बाकी ब्रेकिंग सिस्टम्स के साथ जुड़ के काम करता है, जैसे कि ABS, EBD, ESP इत्यादि, अकेले अलग से नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों, आज HBA के बारे में इतना ही। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे साथ, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।